everyone. I am Shivani and I'm back with another very energetic article. And why it is energetic? Because whenever any high court or supreme court is giving any sort of decisions, I would say, which is quite positive. I feel also very positive, and that's why I use this word energetic. क्योंकि इस तरह के आर्टिकल से और जिसमें कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से, तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है. एक लगता है कि एक सपोर्ट मिल गया, एक अप्रिहेंशन सॉरी एक अप्रिसिएशन हो गया. So that's why I always looking for something which is very meaningful, and that's why I want to share with my Anand family. So welcome to Anand family, and my channel's name is Anand English 007. That is the handle's name as well. Those who are new on my channel, please do consider to subscribe and watch this video by the end. So let's start with this article, and the heading of this article is Child's Fundamental Right. चाइल्ड्स फंडामेंटल किसी बच्चे के राइट right? बच्चे के किसी नहीं बच्चे की बात हो रही है. फंडामेंटल्स राइट right? उनके मौलिक अधिकार टू गेट लव ऑफ बोथ पेरेंट्स. हाईकोर्ट ये हाईकोर्ट ने बोला है, अहमदाबाद गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है. और हाईकोर्ट की जो भी डिसीजन आते हैं वो इनका एक रिलेवेंस होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है. अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का ही रूल बहुत बड़ा रूल माना जाता है, ये तो तय है, लेकिन स्टेट के लेवल पे हाईकोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनका सिग्निफिकेंस होता है. इसलिए उनको पढ़ना समझना एज ए सिटीजन इट इज गुड फॉर अस. सो शुरू करते हैं आर्टिकल. तो हाईकोर्ट ने बोला कि चाइल्ड किसी बच्चे का जो मौलिक अधिकार है वो क्या है. मौलिक अधिकार क्या है कि उसे माँ बाप दोनों का, पेरेंट्स का दोनों का प्यार मिले. ये बच्चे का मौलिक अधिकार है राइट. सो अब समझते हैं केस क्या हुआ. हाईकोर्ट सॉरी द गुजरात हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे को शुक्रवार को सेड इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ अ चाइल्ड टू हैव द लव ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड वन पेरेंट कैन नॉट एरोगेंटली से दैट ही और शी या एस और स्लैश लगा है, इसका मतलब ही और शी डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद द चाइल्ड कस्टडी. तो उन्होंने बोला कि किसी बच्चे का एक मौलिक अधिकार है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक वर्डिक्ट दिया है उसमें साफ बात बोली है कि एक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि माता पिता दोनों का प्यार उसे मिले. तो उन्होंने बोला कि शुक्रवार लास्ट फ्राइडे का ये आर्टिकल है, और ये क्योंकि एक स्टेटमेंट है, एक जजमेंट है, इसलिए इसे कभी भी आप पढ़ें तो उसका रिलेवेंस वही रहता है. सो द गुड उन्होंने बोला फ्राइडे को दैट इट इज द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार एक बच्चे का टू हैव द लव टू हैव द लव मतलब उसको वो हैव का मतलब एंजॉय करना, उसको मिलना चाहिए द लव ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों माता पिता का प्यार मिले, कॉमा एंड वन पेरेंट कैन नॉट, और एक पेरेंट का मतलब एक माता पिता में से कोई भी एक, नॉट एरोगेंटली मतलब घमंड से भरे हुए, एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी. सो उस एरोगेंस से भर के ये नहीं बोल सकता, कह नहीं सकता ही और शी दैट ही डज नॉट और शी डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद द चाइल्ड्स कस्टडी. वो ये नहीं कह सकते कोई भी इनमें से एक कि हम अपने बच्चे की कस्टडी या उसकी रक्षा अभिरक्षा के लिए पार्ट नहीं लेना चाहते हैं. ये कोई माता पिता में से कोई एक एरोगेंटली घमंडपूर्ण तरीके से नहीं कह सकता. सो हमें एक वर्ड यहाँ पे मिला एरोगेंटली, एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे. नाउ सेकंड पैराग्राफ, द बेंच ऑफ जस्टिस सोनिया गोकनी एंड जस्टिस मोना भट्ट, जिसे मैंने कहा बेंच का मतलब होता है एक से ज्यादा जस्टिस जब होते हैं तो उसको बेंच कंसिडर किया जाता है. और वैसे भी हाईकोर्ट की जज, अब कभी भी आप देखेंगे हाईकोर्ट के डिसीजन बेंच के द्वारा, बेंच वर्ड जरूर यूज होता है आर्टिकल्स में. सो एक अंडरस्टूड सी बात है ये. नाउ दीज टू जजेस मेड दिस ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक अवलोकन करना राइट right? उसको देखना, ध्यान से समझना. मेड दिस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग उस समय द हियरिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस. ये एक टर्म है जो लीगल टर्म है, इसको अभी समझते हैं. हैबियस कॉर्पस पेटिशन फाइल बाय एन एनआरआई लिविंग इन द यूएस आफ्टर हिज वाइफ रिटर्न टू इंडिया विद देयर न्यूबॉर्न सन इन 2017. ये केस है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके द्वारा जो चीजें निकल के आई हैं वो शेयर की जा रही हैं. तो उसमें लिखा, उसमें बोला कि एक व्यक्ति जो एनआरआई थे नॉन रेजिडेंट इंडियन राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो बाहर यूएस में रहते हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया था अपनी बीवी के अगेंस्ट, जिसमें वो अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को लेकर के इंडिया वापस, रिटर्न टू इंडिया, इंडिया वापस आ गई थी. और न्यूली बॉर्न का मतलब जो हाल ही में पैदा हुआ हो. और उन्होंने, कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया इस केस की सुनवाई के दौरान दैट द हेबियस, द हियरिंग ऑफ, मतलब सुनवाई के दौरान ऑफ अ हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस एक रिट है, एक रिट का मतलब होता है आज्ञा पत्र, एक वर्ड है रिट, कोर्ट की एक रिट है जिसे कहते हैं आज्ञा पत्र.
इस आज्ञा पत्र का मतलब होता है कि कोर्ट आपको यह आदेश दे सकता है इस रिट के द्वारा कि आपके पास एक शरीर है, उस शरीर को प्रेजेंट करें। और हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये एक रिट है जिसमें जो बहुत पावरफुल रिट है, एक कोर्ट उसको यूज कर सकता है। सॉरी, कॉर्पस, CORPUS, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब आपने किसी को अपने पास रख रखा है, बंदी बना रखा है, और 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने आप प्रेजेंट करें। तो उन्होंने एक पेटिशन लगाई थी उस बच्चे के पिता ने जो NRI है, कि आप हैबियस कॉर्पस रिट थी, सॉरी पेटिशन थी, और उसको कोर्ट ने प्रोसीड किया कि आप उसको प्रेजेंट करें। और उसकी सुनवाई के तो क्योंकि क्योंकि रिट लगाई गई थी, तो उसको उस कोर्ट को उसको प्रायोरिटी देनी पड़ी। बिकॉज यूजुअली केस में ऐसा नहीं होता है, पर कोई ऐसी रिट लगाता है, क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, उनकी जो उनकी इस बच्चे की माँ है वो US से इंडिया आ गई थी बच्चे को अपने साथ लेके। तो जो भी उनकी सिचुएशन रही हो, उन्होंने हैबियस कॉर्पस लगाई पिटिशन, एक याचिका, जिसके उसके उसको सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया वो बता रहे हैं। एंड नेवर रिटर्न्ड, एंड नेवर रिटर्न, जो वापस कभी नहीं गई, बस वापस नहीं गई। फिर क्या हुआ, इन अप्रैल का जो उसी साल की बात है आई गेस, In April, the High Court ordered the wife to hand over custody of the child for 2 months to the father so that he could take the son to the US for a vacation. तो उन्होंने बोला कि जो कोर्ट ने आदेश दिया उनकी उनकी बीवी को, जिन्होंने केस फाइल किया था, कि वो हैंड ओवर मतलब दे दे, उनको चार्ज दे दे, हैंड ओवर कर दे, कस्टडी मतलब, कस्टडी का मतलब होता है रक्षा, अभिरक्षा के लिए, या चाहे उसका हिरासत, वैसे कस्टडी का मतलब हिरासत होता है, बट यहाँ पे बच्चे के रेफरेंस में यूज हो रहा है, उसका मतलब होता है कि आप जो चार्ज है, जो अभिरक्षा करने का दायित्व है, हैंड ओवर कर दे बच्चे को फॉर 2 months, 2 महीने के लिए, टू द फादर, पिता को दे दे, सो दैट इसके इसकी वजह सो दैट उसके बाद ही कुड टेक द सन, उसको अपने बेटे को या बच्चे को ले जा सकते हैं टू द US फॉर अ वेकेशन, छुट्टी पे ले जा सके। द हाई कोर्ट सेड दैट द वुमन, द जो महिला थी वो भी, टू मतलब भी, कुड ज्वाइन, वो भी ज्वाइन कर सकती है, वो भी जाके शामिल हो सकती हैं इफ शी वॉन्टेड, अगर वो चाहती हैं तो, राइट। उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट था वो आ गई, फिर कभी वापस नहीं गई, तो कोर्ट ने उनको बोला कि आप बच्चे को 2 महीने के लिए दे दीजिए, उनका बच्चा है, और वो वैकेशन पे जाए और आप उनके साथ जाइए। दिस डिड नॉट हैपन, ये हुआ नहीं, ठीक है। एंड द कस्टडी बैटल, जो कस्टडी की अभिरक्षा की जो हिरास अभिरक्षा बच्चे की अभिरक्षा की जो लड़ाई थी, जो बैटल थी, वो चलती रही, कंटिन्यूड इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में चलती रही, विद द फादर डिपॉजिटिंग, जिसमें जो पिता था उन्होंने, उसने 4 लाख रुपया जो अमाउंट था डिपॉजिट किया विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास रजिस्ट्री टूवर्ड्स द US टिकट्स, जो एक रजिस्ट्री थी, एक पंजीकरण था कि उसने जो US के लिए टिकट्स खरीदी हैं अपने बच्चे के लिए, तो उसने जो रजिस्ट्री थी विद द हाई कोर्ट रजिस्ट्री टूवर्ड्स द US टिकट्स फॉर द चाइल्ड एंड द वाइफ, उन्होंने 4 लाख रुपए डिपॉजिट किया एज ए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री के नाम पर, और टिकट्स भी लगाएं कि मैं अपने बच्चे और अपने अपनी बीवी को US ले जाना चाहता हूँ। हाउएवर, जब हाउएवर का मतलब होता है जबकि, द वुमन कंटिन्यूड, जो महिला थी वो बराबर निरंतर विद हर कंप्लेन्स, अपनी जो कंप्लेन शिकायतें थी उसके साथ वो बराबर शिकायतें करती रही, उनका जो काम था वो करती रही। दिस अर्ग्ड, अर्ग्ड का मतलब होता है कि गुस्सा, मतलब एक किसी को इंस्टिगेट कर देना, खफा हो जाना, राइट। सो दिस अर्ग्ड, अर्ग्ड मतलब इस पोजिशन को लेके जो जजेस थे वो परेशान, उनको काफी गुस्सा आई, और गुस्सा तो खैर यहाँ रॉन्ग वर्ड है, उनको इंस्टिगेट किया ये समझने के लिए कि कुछ ज्यादा गड़बड़ है यहाँ पे, राइट। कुछ ज्यादा जो पोजीशन थी वो ड्रामेटिक हो गई, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर दिया, और अगर उस ऑर्डर को हाई कोर्ट जैस को जो ऑर्डर है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, वो वाला गुस्सा है यहाँ पे, राइट। सो दिस अर्ग द जजेस हु वॉन्ट द वॉन्ट सॉरी हु वॉन्ट मतलब जिनको आपने हिदायत दी थी, who want that they would instigate stern action against the couple to put someone's sense into them. उन्होंने कहा कि उनको इस बात पे हिदायत दी, उन्होंने इसको वॉर्न भी किया कि आपको वॉर्न भी, क्योंकि इस बात से वो इंस्टिगेट हुए, उनको समझ में आया कुछ गड़बड़ ज्यादा है, अर्ग मतलब खफा हुए, परेशान खफा होकर उन्होंने एक्शन लेने के लिए के पहले उनको वॉर्न किया कि दैट दे वुड इनिशिएट स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट हम कोई एक्शन लेंगे कड़ाई से, कठोरता से। सो एक वर्ड हमारे पास आया स्टर्न, फिर हमारे पास एक वर्ड आया अर्ग, ठीक है, स्टर्न, कि हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे अगेंस्ट द कपल, कपल कपल के अगेंस्ट, दंपति के अगेंस्ट, पुट सम सेंस,
टू पुट सम सेंस, कोई सेंस लीजिए, मतलब कोई सेंस का मतलब होता है कि कोई समझदारी से कोई स्टेप लीजिए। आपको हमने कुछ करने के लिए बोला, आप वो कर नहीं रहे हैं, तो आपको हम वॉर्न कर रहे हैं कि आप कुछ समझदारी से स्टेप लीजिए इस केस के अंदर, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने इश्यू को रख रहे हैं, बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा, इसका मतलब ये है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वेक्स्ड बाय द वाइफ, वेक्स का मतलब होता है झगड़े का या विवादास्पद, राइट? तो वेक्स का मतलब होता है विवादास्पद या फिर झगड़े का, बाय वाइफ्स अनरिलेटिंग अनरिलेंटिंग अप्रोच। सो एक तो विवादास्पद इशू था और वाइफ की अप्रोच कैसी थी, उसका उसकी पहुंच, अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज को देखने का तरीका, जो वो कर रही है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है अपने काम को, वो काफी अनरिलेंटिंग था, मतलब अडिग थी वो। अनरिलेंट का मतलब होता है अडिग, जो उनसे कहा जा रहा है वो सुन नहीं रही है। कोर्ट ने कहा आप चली जाइए, वो नहीं गई, उन्होंने कहा बच्चे को दे दीजिए, वो नहीं गई, फिर वो ऊपर से कंप्लेन करती चली जा रही है, तो अनरिलेंटिंग अप्रोच थी उनकी। और वेक्स का मतलब होता है, वेक्स का मतलब, वेक्स वर्ड है झगड़ा, राइट? विवादास्पद या फिर झगड़े का जो कारण है। द जजेस सेड दैट इफ इफ दे कुड नॉट लिव टुगेदर ग्रेसफुली, अगर वो सुशोभित या प्यार से अच्छे तरीके से वो साथ में नहीं रह सकते हैं, एटलीस्ट दे शुड पार्ट ग्रेसफुली, तो उनको कम से कम सुंदर तरीके से अलग हो जाना चाहिए, राइट? द कोर्ट फर्दर सेड, कोर्ट ने फिर आगे कहा दैट इट सीम्स दैट दे एंजॉयड द डिस्प्यूट इन द नेम ऑफ चाइल्ड, ऐसा लगता है, ऐसा दिख रहा है कि वो बच्चे के नाम पे जो ये विवाद है, जो झगड़ा है, इसको एंजॉय कर रहे हैं, इसमें मनोरंजन ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं बच्चे के नाम पे। ऑन द चाइल्ड्स कस्टडी, बच्चे की जो हिरासत कह लीजिए या अभिरक्षा कह लीजिए, ऑन द चाइल्ड्स कस्टडी द कोर्ट रेफर, कोर्ट ने रेफर किया या निर्दिष्ट किया टू अ सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बहुत फेमस जजमेंट है, उसको रेफर करते हुए बोला इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ चाइल्ड टू हैव द लव ऑफ बोथ द पेरेंट्स, सो लेट नॉट वन ऑफ द पेरेंट बी एरोगेंट इनफ टू से दैट ही और शी डज नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद द कस्टडी। उन्होंने कहा कि इस, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया गया वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप में से कोई भी एक जन इस बात पे मना नहीं कर सकता कि उसे कस्टडी नहीं चाहिए, वो पार्ट नहीं लेना चाहता। दे से इट इज अ चाइल्ड राइट, उन्होंने कहा कि बच्चे का अधिकार है, वी विल वर्क आउट द कस्टडी, हम कस्टडी के लिए या विजिटेशन राइट का मतलब होता है मुलाकात करने के जो अधिकार होते हैं उसके बारे में हम उसके ऊपर काम करेंगे एंड एवरीथिंग और सब कुछ, बट फर्स्ट, पर पहले जो प्रायोरिटी बता रहे हैं वो कह रहे हैं दे मतलब जो कपल है हैव टू डिसाइड, उनको तय करना पड़ेगा व्हाट दे वांट टू डू अबाउट देयर रिलेशनशिप, कि वो अपने रिलेशनशिप संबंध के बारे में क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा या उनको डिसाइड करना पड़ेगा, कोई रिजल्ट पे आना पड़ेगा। सो दीज वर दिस वर द आर्टिकल, दिस वॉज वेरी हेल्पफुल, ये उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो एटलीस्ट दे शुड कंसिडर अबाउट देयर किड्स फर्स्ट, बिकॉज अल्टीमेटली द रिलेशनशिप कुड एग्जिस्ट इफ योर चाइल्ड इज हैप्पी, राइट? सो हैप्पीनेस इज द की ऑफ लाइफ, सो दैट्स वाई आई थॉट वी शुड रीड दिस आर्टिकल एंड वी शुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सो हमारे पास कुछ टर्म्स आ गए यहाँ पे, एक तो अर्ग्ड आया, स्टर्न आया, अनलेंटिंग आया, वेक्स्ड आया, बैटल वी नो, हैबिस कॉर्पस एक रिट होती है आपको पता चल गया, एरोगेंटली का मतलब हो गया घमंडी या एरोगेंट एक वर्ड है, और इनफ का मतलब हो गया पर्याप्त, विजिटेशन का राइट, विजिटेशन का मतलब होता है मुलाकात करने के जो राइट्स होते हैं उसको कहते हैं विजिटेशन राइट्स, और अनरिलेंटिंग का मतलब अडिक, एंड या सो दैट वॉज इट अबाउट दिस आर्टिकल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप प्लीज़ इसमें कॉमेंट करें, इसको बिग थम्सअप, एक अच्छा सा कॉमेंट और थम्सअप दीजिए, सो दैट कि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज इट ट्रस्ट मी ऑन दैट ऑल ऑफ यू, कि इसे बहुत बूस्ट मिलता है, जो आपके लिए एफर्ट कर रहा है उसको बूस्ट मिलता है और काम करने का की प्रेरणा मिलती है, राइट? दिस इज द राइट हिंदी वर्ड। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग, क्योंकि आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, बेसिस ऑन दिस कॉन्सेप्ट आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल, सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।